27/11/1985 की। अव्यक्त बाप दादा कहते, मीठे बच्चे, ये पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय, क्योंकि बाकी तो हम नई नई बातें भूल जाते हैं, ताज़ी ताज़ी बातें भूल जाते हैं, परंतु जो पुराना हमारा संसार है और जो पुरानी आदतें हैं वो भूलती नहीं। उनको हम कैसे भूलें, उनको हम कैसे भूलें, उसको भूलने का उपाय आज बाबा सिखा रहे हैं। बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय का प्रत्यक्ष जीवन का, एक तो निश्चय का और दूसरा क्या है, प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप देख रहे। निश्चय बुद्धि की विशेषताएं सबने सुनी पिछले रविवार को, निश्चय बुद्धि की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ऐसा विशेषताओं संपन्न निश्चय बुद्धि विजयी रत्न इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण वे नशे में होगा। इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय है जिसको, उसका प्रमाण वे नशे में होगा। उसको क्या होगा, नशा होगा, और उस नशे को कहा जाता है रूहानी नशा। उस नशे को क्या कहा जाता है, रूहानी नशा। रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का दर्पण है। पता लगता है कि कितना इसको निश्चय है, क्योंकि जितना ज़्यादा जितना अच्छा पक्का पक्का निश्चय होगा उतना ही उसको क्या होगा, रूहानी नशा होगा। निश्चय सिर्फ बुद्धि में स्मृति तक नहीं कि मुझे पता है मुझे याद है, यहाँ तक नहीं, लेकिन हर कदम में रूहानी नशे के रूप में कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता, औरों को भी अनुभव होता। और नशा अपने आप को भी लगता कि हाँ वाक्य में मुझे नशा है, और उनको ये भी नशा होता के प्रत्यक्ष रूप से रूहानी नशा हर कदम पर हर कर्म द्वारा प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव होगा और दूसरों को भी अनुभव होता है। रूहानी नशा कौन सा है, मैं आत्मा हूँ और मुझे पढ़ाता कौन है, मैं किसका हूँ और मुझे वो पढ़ाकर क्या बना रहा है, ये सब रूहानी नशे में आता है। और रूहानी नशे का कैसे पता लगता है, क्योंकि ये ज्ञानी और योगी जीवन है। कैसा जीवन है, ज्ञानी और योगी जीवन, सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं, जीवन बनाने का है। जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब आ जाता है। जीवन में स्मृति, स्मृति का मतलब क्या है, संकल्प जो भी है ना, ये भी जीवन है, बोल भी जीवन है, कर्म भी जीवन है, संबंध भी, ये सब किस में आ जाते हैं, हमारे पास स्मृति में आ जाते हैं, सब आ जाता है। निश्चय बुद्धि अर्थात नशे का जीवन,
ऐसा रूहा ऐसे रूहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा सदा कैसा होता है? नशे से संपन्न। जो भी संकल्प करेंगे ना उसमें नशा भरा हुआ होगा। संकल्प बोल कर्म तीनों से निश्चय का नशा अनुभव होगा। तीनों से निश्चय का नशा अनुभव होगा। जैसा नशा वैसी खुशी। तो नशे का पता कैसे लगेगा? वो खुश दिखाई देगा। खुशी की झलक चेहरे से चलन से प्रत्यक्ष होगी। निश्चय का प्रमाण नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। बोला हमें निश्चय है उसका पता चलेगा नशे से, और हमें कितना नशा है वो पता चलेगा हमारी खुशी से। अब ये नशे कितने प्रकार के हैं इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन सार रूप में एक नशा है अशरीरी आत्मिक स्वरूप का। अशरीरी आत्मिक स्वरूप का इसका विस्तार जानते हो? इसका विस्तार जानते हो? आत्मा तो सभी हैं, लेकिन रूहानी नशा तब अनुभव होता जब ये स्मृति में रखते कि मैं कौन सी आत्मा, मैं कौन सी आत्मा, पवित्र आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, ज्ञानी तो आत्मा हूँ। जैसी जैसी स्मृति, जैसी स्मृति होगी वैसा अनुभव होगा। इसका और विस्तार आपस में बैठकर निकालना ये बाबा नहीं बता रहे हैं। बाबा कहते कि आत्मा को उस आत्म स्मृति का, कौन सी मैं आत्मा हूँ, इसका विस्तार आपस में बैठकर निकालना, स्वयं मनन करना। दूसरा नशे का विशेष रूप संगम युग का अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन मतलब ब्रह्माचारी जीवन, अलौकिक जीवन मतलब ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाले आत्माएं। इस जीवन में भी कौन सी जीवन है इसका भी विस्तार बैठकर सोचो। हमारी कौन सी जीवन है ये? तो एक है आत्मिक स्वरूप का नशा, एक है आत्मिक स्वरूप का नशा, दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा, और तीसरा है फरिश्तेपन का नशा, और चौथा है फिर फरिश्ता किसको कहा जाता है इसका भी विस्तार करो, चौथा है भविष्य का नशा। ये चार नशे आज बाबा हमें बता रहे हैं। पहला नशा है आत्मिक स्वरूप का नशा, जिसके लिए रोजाना बाबा हमें मुरली में स्वमान देते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। ऐसे रोजाना अपने इस नशे में रहना। गाते तो सारे हैं, स्वमान को याद भी सारे रखते हैं। कई भाई बहन तो इतना याद रखते हैं कि बार बार सारा दिन पूछते रहते हैं, आज का स्वमान पता है आपको क्या है, जो मिलेगा उससे पूछेंगे आज का स्वमान क्या है, आज की मुरली का सार क्या है, आज का ये पॉइंट क्या है। परंतु उनसे फिर पूछो क्या ये आपको सारा दिन में कभी अनुभव हुआ, वो बताएं। रट रखा है परंतु प्रैक्टिकल अनुभव बहुत जरूरी है। हमें समझ में आए कि हम
उसके अनुभवी खुशी चले। दूसरा है अलौकिक जीवन का नशा। हम ब्राह्मण बन गए हैं, ब्राह्मण जीवन मतलब ब्रह्मा आके आचरण पर चलने वाले, ब्रह्मा बाबा ने जैसे जैसे किया वैसे वैसे करने वाले। हम वैसे कर नहीं रहे तो नशा कहाँ से आएगा। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी तो बन गए, पर तो हमने कोई भी धारणा अपने जीवन में नहीं लाए। ब्रह्मा बाबा को हमने किस कदम पर फॉलो किया, कितने कदमों पर फॉलो किया, वो हमने किया ही नहीं, तो क्या के ब्रह्मा कुमार। तो अलौकिक जीवन ब्रह्मा आचरण पर चले तो अलौकिक जीवन का भी क्या रहेगा, नशा रहेगा। तीसरा है फरिश्तेपन का नशा। फरिश्ता किसे कहते हैं? जिसका एक पास से परमात्मा से रिश्ता हो। कल की मुरली में बाबा ने बताया फुरना, ब्रैकेट में लिखा फा, फुरना को भी फा कहा। ये फुरना क्या था? अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन हो कि मुझे ये करना है, तो वो है फुरना। और यदि अटेंशन नहीं है फिर यदि तो चिंता, क्योंकि चिंता और फुरना में अंतर यही है। हमें लगन लगी हो, फुरना लगा हो, एक परमपिता परमात्मा से हमारी लगन, हमारा एक परम आत्मा, दूसरा ना कोई, और कोई नहीं हमारा। जब ये रहेगा तब हम है परिश्ता, जिसका सिवाय परमात्मा से और किसी से ना हो रिश्ता। परमात्मा के कारण सबसे रिश्ता हो। और इसको कई बार बाबा कहते फर्श पर रहने वाला, फर्श से रिश्ता नहीं जिसका, अर्श पर रहते। फरिश्ता किसको कहा जाता है इसका भी विस्तार अपने आप बैठकर करो। चौथा है भविष्य का नशा, कि मैं ही सत्युग में देवी देवता बनूंगा, संपूर्ण निर्विकारी बनूंगा, 16 कला संपूर्ण बनूंगा। क्योंकि नशा चाहिए कि जब वो अब धारणा कर रहा होगा तो उसको नशा भी होगा साथ में, परंतु धारणा नहीं करेगा तो वो नशा नहीं होगा। वो अंदर अंदर अपने आप को समझा देगा कोई बात नहीं, प्रजा में तो चले जाएंगे ना, ठीक है, चलो त्रेता में आ जाएंगे, क्या सब जब आना है ना, हम बेकार में अपना दिमाग अब क्यों खराब करें। मतलब ये अपने आप को वो बता देगा, जो बनना होगा बन जाएंगे, कल पहले भी बने होंगे, हर कल वही बनेंगे। ये नहीं कि ये मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो अपने आप को सत्युग के लायक, चाहूं तो अपने आप को त्रेता के लायक, और बनाकर मैं निश्चित कर दूंगा कि कल्प पहले भी मैं बना था और हर कल्प मैं बनूं। भविष्य का नशा। इन चार ही प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी, ठीक है इन चार ही प्रकार के अलौकिक नशे में से कोई भी नशा जीवन में होगा तो स्वतः ही खुशी में नाचते रहेंगे। निश्चय भी है लेकिन खुशी नहीं। इसका कारण नशा नहीं। खुशी नहीं है तो नशा नहीं है। नशा सहज ही पुराना संसार और पुराना संस्कार भुला देता है। पुराना संस्कार और पुराना संसार भुला देता है। बात समझे आज की मुरली का सार क्या है? पुराना संसार और पुराना संस्कार
भुलाने की विधि। आज बाबा हमें क्या क्या विधि बताई है? कोई भी, हाँ पुराना नशा, बोला नशा होगा तो पुराना संसार और पुराना संस्कार भूल दे, भुला दे। इस पुरुषार्थी जीवन में विशेष विघन रूप ये दो बातें हैं, चाहे पुराना संसार व पुराना संस्कार। संसार में देह के संबंध और देह के पदार्थ दोनों आ जाते, देह का संबंध और देह के पदार्थ दोनों आ जाता है, साथ साथ संसार से भी पुराने संस्कार ज्यादा विघन रूप में बनते। कहते क्या करूं, ये मेरी बहुत पुरानी आदत है, ये तो मरने के साथ जाएगी। परंतु उसको जाने का तरीका है क्या करो, नशे में रहो। संसार भूल जाते हैं, ज्यादा विघन रूप बनते हैं, संस्कार विघन रूप बनते हैं, संसार भूल जाते हैं। लेकिन संस्कार नहीं भूलते, तो संस्कार परिवर्तन करने का साधन है इन चारों नशे में से कोई भी नशा साकार स्वरूप में हो, कोई भी नशा साकार स्वरूप में हो, कल्प स्वरूप में नहीं, सिर्फ संकल्प स्वरूप में नहीं, साकार स्वरूप में होने से कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे। जब संकल्प स्वरूप में नहीं, जब वो नशा क्या रहे हमारे पास, नशा साकार स्वरूप में हो, सिर्फ संकल्प में नहीं अपने जीवन में हो, साकार स्वरूप में होने से कभी भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे। अभी तक संस्कार परिवर्तन ना होने का कारण ये है, इन नशों को संकल्प रूप में अर्थात नॉलेज के रूप में बुद्धि तक तो धारण कर लिया है, इसलिए कभी भी किसी का पुराना संस्कार इमर्ज हो जाता है। समझ तो लिया है, परंतु पुरानी आदत वापस इमर्ज हो जाती है, जागृत हो जाती है, तब ये भाषा बोलते हैं मैं सब समझती हूं। बदलना भी चाहते हैं, ये भी समझते हैं, लेकिन समझ तक नहीं, ये बात समझ तक नहीं है, कर्म अर्थात जीवन तक चाहिए, सिर्फ समझ तक नहीं। आप समझते हो कि मेरे अंदर गंदी आदत है, मुझे बदलना है, मुझे समझ में आ गया है ये मेरे अंदर आदत नहीं होनी चाहिए, परंतु समझ तक नहीं जीवन तक चाहिए। जीवन द्वारा परिवर्तन अनुभव में आवे, इसको कहा जाता है साकार स्वरूप में आना। अभी बुद्धि तक पॉइंट्स के रूप में सोचने और वर्णन करने तक है, बुद्धि तक पॉइंट्स के रूप में सोचने और वर्णन करने तक है, लेकिन हर कर्म में संपर्क में परिवर्तन दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई दे, इसको कहा जाता है साकार रूप में अलौकिक नशा, साकार रूप में अलौकिक नशा। अभी हर एक नशे को जीवन में लाओ, हर एक नशे को जीवन में लाओ, कोई भी आपके मस्तक तरफ देखे तो मस्तक द्वारा रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो, रूहानी नशे की वृत्ति अनुभव हो। चाहे कोई वर्णन करे ना करे, कोई वर्णन करे ना करे, लेकिन वृत्ति वायुमंडल और वाइब्रेशन फैलाती है,
क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे ना अंदर बुद्धि में, जैसे विचार चलते रहेंगे वैसे आपके चारों तरफ का ओरा बनता जाएगा। आपकी वृत्ति दूसरे को भी खुशी के वायुमंडल में, खुशी के वाइब्रेशन अनुभव करावे, खुशी के वाइब्रेशन अनुभव करावे, इसको कहा जाता है नशे में स्थित होना। नशे में स्थित होना मतलब आपको खुशी मिली, वो खुशी के वाइब्रेशन दूसरों को भी क्या हो, अनुभव हो, तब समझो कि नशे की स्थिति है। ऐसे ही दृष्टि से, मुख की मुस्कान से, मुख के बोल से रूहानी नशे का साकार रूप अनुभव हो, तब कहेंगे नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि। नशे में रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न, विजयी रत्न। इसमें गुप्त नहीं रहना, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई ऐसी भी चतुराई करते हैं कि हम गुप्त हैं, अपने आप को वैसे ही मुंह मियां मिट्ठू, हम गुप्त हैं। जैसे कहावत है सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता, ऐसे आपके अंदर कोई गुण है तो वो छिप नहीं सकते। कितने भी गहरे बादल हों फिर भी सूर्य अपना प्रकाश छोड़ नहीं सकता। सूर्य हटता है वह बादल हटते हैं, कौन हटता है दोनों में से, बादल हटते हैं। बादल आते भी हैं और हट भी जाते हैं, लेकिन सूर्य अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहता है। तो रूहानी नशे वाला भी रूहानी झलक से छिप नहीं सकता, उसके रूहानी नशे की झलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव अवश्य होगी, प्रत्यक्ष अवश्य होगी। उनके वाइब्रेशन स्वतः ही औरों को आकर्षित करें, उनके वाइब्रेशन स्वतः ही औरों को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। रूहानी नशे में रहने वाले के वाइब्रेशन स्वयं के प्रति व औरों के प्रति कैसे होते हैं, छत्र छाया वाले, छत्र छाया का काम करते, मतलब उसको खुद भी फीलिंग आने से बच जाता है, क्रोध आने से बच जाता है, ईर्ष्या से बच जाता है, बदले की भावना से बच जाता है। तो यही तो छत्र छाया का काम है ना, दुखों से बच जाता है, दुखी नहीं होता। तो अभी क्या करना है, साकार में आओ नॉलेज के हिसाब से, नॉलेजफुल, एकदम ज्ञान से संपन्न, नॉलेजफुल हो गए हो। लेकिन नॉलेज को साकार जीवन में लाने से नॉलेजफुल के साथ साथ सक्सेसफुल, ब्लिसफुल अनुभव करें कि हम सफल आत्मा हैं, ब्लिसफुल आत्मा हैं। अच्छा, फिर सुनाएंगे सक्सेसफुल और ब्लिसफुल का स्वरूप क्या होता है, सक्सेसफुल आत्मा कैसी होती है और ब्लिसफुल आत्मा कैसी होती है, आनंद स्वरूप आत्मा कैसी होती है, ये फिर सुनाएंगे। बाबा है ना अड़ा देते हैं ताकि अगले सीरियल तक उनकी बुद्धि अटके रहे। आज तो रूहानी नशे की बात सुना रहे हैं, सभी को नशा अनुभव हो। इन चार ही नशों में से एक नशा भी, नशे को भिन्न भिन्न रूप से यूज करो, एक ही नशे को भिन्न भिन्न रूप से यूज करो। जितना इस नशे को जीवन में अनुभव करेंगे तो सदा सभी फिक्र से फारिग, बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे।
चारों नशों को, एक एक नशे को अलग अलग तरीके से अपने जीवन में अनुभव। आपको बेफिक्र बादशाह के रूप में देखेंगे तो आप विस्तार निकालना व प्रैक्टिस में लाना, जहां खुशी है वहां माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती, कोई भी चाल चल नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती, आती है और भगाते हो, फिर आती है फिर भगाते हो। कभी देह के रूप में आती, कभी देह के संबंध के रूप में आती, इसी को कहते हैं। कभी माया हाथी बनकर आती, कभी बिल्ली बनकर आती, कभी चूहा बनकर आती, कभी चूहे को निकालते, कभी बिल्ली को निकालते, इसी भगाने के कार्य में समय निकल। इसलिए सदा रूहानी नशे में रहो, पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो, तब बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, तब बाप की प्रत्यक्षता करेंगे, क्योंकि आप द्वारा बाप प्रत्यक्ष होना है, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष तो आपने ही करना है। अच्छा, सदा स्वयं द्वारा सर्वशक्तिवान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा अपने साकार जीवन के दर्पण से रूहानी नशे की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बेफिक्र बादशाह बन माया को विदाई देने वाले, सदा नॉलेज स्वरूप, नॉलेज को स्वरूप में लाने वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि नशे में रहने वाले, सदा खुशी में झूलने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, विशेष आत्माओं, बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। सेवाधारी टीचर्स बहनों से, अब सामने है टीचर्स बहनें, सेवाधारी अर्थात अपनी शक्तियों द्वारा औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली। सेवाधारी की वास्तविक विशेषता यही है कि निर्बल में भी क्या भरें, बल भरने के निमित्त। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा का पार्ट मिलना भी हीरो पार्ट है। ऐसी सेवा का जिस आत्मा को पार्ट मिला हो, जो आत्मा इस प्रकार की सेवा कर रही हो, तो हीरो पार्टधारी कितने नशे में रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। सेवा के पार से जितना अपने को नंबर आगे बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, क्योंकि सेवा आगे बढ़ने का साधन है। सेवा में बिजी रहने से स्वतः ही सब बातों से किनारा हो जाता है, टाइम ही नहीं है, फुर्सत नहीं है व्यर्थ की नेगेटिव बातों को सोचने की। तरीका ही एक है कि आप अपने आप को इतना बिजी कर दो, मनसा वाचा कर्मणा, जैसी भी सेवा आप कर सके उस सेवा में आप बिजी रहेंगे तो आपके संस्कार और संसार से किनारा, क्योंकि नशा चढ़ेगा ना, सेवा करेंगे कैसी भी सेवा करेंगे तो नशा चढ़ेगा।
सेवा कर भी वो सकता है जिसको नशा होगा, नशा नहीं है तो वो सेवा नहीं कर सकता। हर एक सेवा स्थान स्टेज है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जहाँ भी आप सेवा स्थान पर हो, सेंटर पर हो, वो आपकी स्टेज है, जिस स्टेज पर हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, हर आत्मा अपना पार्ट बजा रही है। साधन तो बहुत है, लेकिन सदा साधनों में शक्ति होनी चाहिए। अगर बिना शक्ति के साधन यूज करते हैं तो जो सेवा की रिजल्ट निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती, वो नहीं निकलती। पुराने समय में जो वीर लोग होते थे वे सदैव अपने शस्त्रों को देवताओं के आगे अर्पण कर उसमें शक्ति भरकर फिर यूज करते थे। मंदिर में गए, देवी देवताओं के आगे रखा, फिर समझते भगवान ने इसमें शक्ति भर दी, बस। तो आप सभी भी कोई भी साधन जब यूज करते हो तो उसे यूज करने के पहले उसी विधि पूर्वक कार्य में लगाते। अभी जो भी साधन कार्य में लगाते हो उसमें थोड़ा समय के लिए जो लोग आकर्षित होते हैं, लोग आकर्षित होते हैं, सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते। आपने उनको ज्ञान सुनाया, उनको अच्छा लगा, आकर्षण हुआ, परंतु सदा काल के लिए प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि इतनी शक्तिशाली आत्माएं जो शक्ति द्वारा परिवर्तन कर दिखाएं वे नंबर वार हैं, वे नंबर वार हैं। सेवा तो सभी करते हो, सभी का नाम है टीचर्स, सभी का नाम क्या है? टीचर्स। चिढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं, रियलाइज करा रहे हैं, हाँ जी, शक्ति भर। सेवाधारी हो या टीचर, लेकिन सेवा में अंतर क्या है? प्रोग्राम भी एक ही बनाते हो, प्लान भी एक जैसा बनाते हो, रीति रस्म भी एक जैसी बनती है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है, फिर भी सफलता में अंतर पड़ जाता है। उसका कारण क्या? सफलता में अंतर पड़ने का कारण क्या? शक्ति की कमी, शक्ति की कमी। तो साधन में शक्ति भरो। जैसे तलवार में अगर जौहर नहीं हो, धार उसकी तेज नहीं हो, तो तलवार का काम नहीं देगी। किस काम की वो तलवार? ऐसे साधन है तलवार, लेकिन उसमें शक्ति का जौहर चाहिए। उसमें क्या चाहिए? शक्ति का जौहर चाहिए। वे जितना अपने में भरते जाएंगे उतना सेवा में स्वतः ही सफलता मिलेगी, उतना सेवा में स्वतः ही सफलता मिलेगी, जितना अपने में भरते जाएंगे। तो शक्तिशाली सेवाधारी बनो। क्या बनो? शक्तिशाली बनो, और क्या बनो? सेवाधारी बनो। सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लाइन समझ रहे हैं? सदा विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना ये भी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शक्तिशाली आत्माएं वृद्धि को प्राप्त हों इसका विशेष
अटेंशन, इसका क्या चाहिए? विशेष अटेंशन चाहिए। क्वालिटी निकालो, क्वांटिटी तो अपने आप ज्यादा हो जाएगी और भी ज्यादा हो जाएगी, क्वालिटी पर अटेंशन, नंबर क्वालिटी पर मिलेंगे। नंबर किस पे मिलेगा? क्वालिटी पर मिलेगा, क्वांटिटी पर नहीं। मैंने लाखों को संदेश दे दिया, बनाए कैसे? द्वापर वाले, त्रेता वाले के, सतयुग वाले बनाए के। हाँ, भक्त कैसे बनेंगे? भक्त कैसे बनेंगे? उनको आप मुक्ति देने के निमित्त तो बनेंगे ना। मुक्ति कौन दे? उनको मुक्ति चाहिए, उनको जीवन मुक्ति नहीं चाहिए, उनको मुक्ति चाहिए। उनको मुक्ति आप कैसे देंगे? वो क्वांटिटी में आएंगे। तो वो जानकी दादी को बाबा ने कहा, कौन बनाएंगे? तुम राजा बनाओ, प्रजा तो वो बनाएंगे। तुम राजा बनाओ, प्रजा तो वो बनाएंगे। एक क्वालिटी वाला 100 क्वांटिटी के बराबर है। आपने 100 को संदेश बनाया दिया और क्वालिटी वाला एक निकाला, कुमारों से बात कर रहे हैं। कुमार क्या कमाल करते हो या धमाल करने वाले हो? धमाल तो नहीं करते हो ना। कमाल करने के लिए शक्तिशाली बनो और बनाओ। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो, स्मृति में रखो। जहाँ शक्ति होगी वहाँ माया से मुक्ति, जहाँ शक्ति होगी वहाँ माया से मुक्ति होगी। जितना स्वयं के प्रति अटेंशन होगा उतना ही सेवा में भी अटेंशन जाएगा, उतना फिर सेवा में भी अटेंशन जाएगा। अगर स्वयं के प्रति अटेंशन नहीं, अपने ऊपर अटेंशन नहीं, तो सेवा में शक्ति नहीं भरती, तो सेवा में शक्ति नहीं भरती। इसलिए सदा अपने को सफलता स्वरूप बनाने के लिए शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। अभ्यास भी कैसे करना है उसके लिए साधन भी कैसे करो? शक्तिशाली अभ्यास के साधन बनाने चाहिए। विधियां ऐसी ढूंढो, तरीके से ढूंढो जिससे अपने आप को क्या बना सको? शक्तिशाली बना सको। कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम बनाओ जिससे सदा प्रोग्रेस होती रहे। पहले स्वयं उन्नति के प्रोग्राम, तब सेवा सहज और सफल होगी। पहले स्वयं उन्नति के क्या बनाओ? प्रोग्राम। क्या होते हैं स्वयं उन्नति के प्रोग्राम? भट्टी, स्वयं को बैठकर समझाओ, मन मना भाव, मध्याजी भाव, इसके लिए प्रोग्राम बनाओ, तब सेवा सहज और सफल होगी। कुमार जीवन भाग्यवान जीवन है, कुमार जीवन ऐसे नहीं मिलता, भाग्यवान जीवन है क्योंकि कई बंधनों से बच गए। कौन से बंधनों से? गृहस्थ के कितने बंधन, कितने झमेले, सारे बंधन खत्म। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितने बंधन है। तो ऐसे भाग्यवान बनने वाली आत्माएं कभी अपने भाग्य को भूल तो नहीं जाती, भूल तो नहीं जाती, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा समझ औरों के भी भाग्य की रेखा खींचने वाले हो। जो निर्बंधन होते हैं वो स्वतः ही उड़ती कला
द्वारा आगे बढ़ते जाते, उड़ती कला द्वारा आगे निर्बंधन, क्योंकि बंधन ही तो खींचते हैं। हमें कोई बंधन ही ना हो तो हम उड़ती कला में आगे बढ़ते जाए। इसलिए कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती, कुमार और कुमारी जीवन बाप दादा को सदा प्यारी लगती है। गृहस्थी जीवन है बंधन वाली और कुमारी जीवन है बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। तो निर्बंधन आत्मा बन, औरों को भी निर्बंधन बनाओ, बंधन मुक्त पहले खुद बनो और दूसरों को भी बंधन मुक्त बनाओ। कुमार अर्थात सदा सेवा और याद का बैलेंस रखने वाले, ये नहीं कि याद में इतने मस्त हो जाओ कि सेवा मैंने नहीं करनी, और सेवा में ऐसे नहीं हो जाओ कि हम बाबा को ही याद ना करें। हम कर्म करते हुए बाबा की याद में रहें तब बैलेंस बनता है। बैलेंस है तो सदा उड़ती कला, बैलेंस है तो क्या होगा, सदा उड़ती कला। जो बैलेंस रखना जानते हैं वो कभी भी किसी परिस्थिति में नीचे ऊपर नहीं, कभी कैसी भी परिस्थिति हो जाए परंतु उनकी अवस्था खराब नहीं हो सकती। अदर कुमारों से सभी अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा सेवा करने वाले हो ना, सभी अपने जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि दुनिया को आप अनुभव सुनाएंगे ना कि देखो मेरे जीवन में ये परिवर्तन आया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जब उनको आप देंगे तो सेवा होगी ना। हमने कैसे विकारों पर विजय प्राप्त की, कैसे हमने अपने इस गृहस्थ को आश्रम बनाया, ये प्रत्यक्ष प्रमाण सेवा करने वाले हो ना। सबसे बड़े ते बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है आप सबकी जीवन का परिवर्तन। सुनने वाले सुनाने वाले तो बहुत देखे, अभी सब देखना चाहते कि वाक्य में इनको हमने जैसे देखा था वो ये नहीं, इसके जीवन में ये परिवर्तन आ गया। पहले इसको बहुत गुस्सा आता था, अब इसको गुस्सा नहीं आता। पहले ये विकार थे, ये बुराइयां थी, अब इसमें नहीं। तो सदा जब भी कोई कर्म करते हो तो ये लक्ष्य रखो कि जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें ऐसा परिवर्तन हो जो दूसरे देख करके परिवर्तित हो जाएं, दूसरे देख करके ही समझ जाएं कि हमें भी ऐसा ही बनना है। इससे स्वयं भी संतुष्ट और खुश रहेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तो हर कर्म सेवा अर्थ करो, हर कर्म सेवार्थ करो। अगर ये स्मृति रहेगी कि मेरा हर कर्म सेवा अर्थ है तो स्वतः ही श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अपने आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे। याद रखो, क्या याद रखो, स्वयं परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है, स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करना है। ये सेवा सहज भी है और श्रेष्ठ भी है, ये सेवा सहज भी है और श्रेष्ठ भी है। मुख का भी भाषण और जीवन का भी भाषण, दोनों में क्या अंतर होगा? एक
मुख से तो बस सुनाया और जीवन प्रैक्टिकल चाल चलन से भी हुआ। इसको कहते हैं सेवाधारी। सदा अपनी दृष्टि द्वारा औरों की दृष्टि बदलने के सेवाधारी, अपनी दृष्टि द्वारा दूसरों की दृष्टि को बदलने। जितनी दृष्टि शक्तिशाली होगी उतना अनेकों का परिवर्तन कर सकेंगे। सदा दृष्टि और श्रेष्ठ कर्म द्वारा औरों की सेवा करने के निमित्त बनो, औरों की सेवा करने के निमित्त बनो। क्या थे और क्या बन गए ये सदा स्मृति में रखते हो, ये सदा स्मृति में रखते हो। इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं। यदि आपको ये स्मृति रहेगी क्या थे और क्या बन गए, ये सदा स्मृति में रखते हो, इस स्मृति में रहने से कभी भी पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। साथ साथ भविष्य में भी हम क्या बनने वाले हैं ये भी याद रखो, तो वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी, श्रेष्ठ होने के कारण खुशी रहेगी। और खुशी में रहने से सदा आगे बढ़ते रहेंगे, सदा बढ़ते रहेंगे। वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ के आगे जो दुखदायी दुनिया है वे याद नहीं आएगी, दुखदायी दुनिया याद नहीं आएगी। सदा अपने इस बेहद के परिवार को देख खुश होते रहो, खुश होते रहो। कभी स्वप्न में भी सोचा होगा, कभी स्वप्न में भी सोचा होगा कि ऐसा भाग्यवान परिवार मिलेगा, कभी सोचा था? लेकिन अभी साकार में देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो ऐसा परिवार जो एक मत परिवार हो, इतना बड़ा परिवार हो, ये सारे कल्प में अभी ही। सतयुग में भी छोटा परिवार होगा तो बाप दादा और परिवार को देख खुश होते हैं, खुशी होती है ना, ये परिवार प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ स्वार्थ भाव नहीं, दुनिया वाला स्वार्थ भाव नहीं। जो ऐसे परिवार के बनते हैं वो भविष्य में भी एक दो के समीप आते हैं। सदा इस ईश्वरीय परिवार की विशेषताओं को देखते हुए आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। कुमारियों से, सभी कुमारियां अपने को विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ती, ये स्मृति समर्थ बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। स्वयं समर्थ बन औरों को समर्थ बनाने वाली है, सदा के लिए विदाई देने वाली हैं। कुमारी जीवन के भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। ये भी संगम में बड़ा भाग्य है, ये भी संगम में क्या है, बड़ा भाग्य है जो कुमारी बनी, जो कुमारी बनी। कुमारी अपने जीवन द्वारा औरों की जीवन बनाने वाली, कुमारी कौन, अपने जीवन द्वारा औरों के जीवन को बनाने वाली, बाप के साथ रहने वाली, सदा स्वयं को शक्तिशाली अनुभव कर
औरों को भी शक्तिशाली बनाने वाली सदा श्रेष्ठ एक बाप दूसरा ना कोई। ऐसे नशे में हर कदम आगे बढ़ाने वाली तो ऐसी कुमारियां हो ना, ऐसी कुमारियां हो ना। प्रश्न है किस विशेषता व गुण से सर्वप्रिय बन सकते हो, सबके प्यारे बन सकते हो, ऐसा कौन सी विशेषता व गुण अपने अंदर लाएं जो सब हमें प्यार करें। न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता, एक तो है न्यारा और प्यारा, ठीक है, और दूसरा क्या है निसंकल्प। निसंकल्प क्या होगा, नहीं है बाबा ने सब कुछ सोच समझ कर दे दिया, हमने वही करते जाना, सिर दर्दी करते। इसी विशेषता से सबके प्रिय बन सकते हैं, जो सबका प्रिय होता है वो किसी का प्रिय नहीं होता। ये न्यारा प्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस विशेषता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरदान है सर्व समस्याओं की विदाई का समारोह मना, सारी समस्याओं का विदाई समारोह मनाने वाले समाधान स्वरूप हो, हर बात का समाधान आपके पास हो। समाधान स्वरूप आत्माओं की माला तब तैयार होगी जब आप अपने संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। जब तुम कहाँ होंगे, संपूर्ण स्थिति में स्थित होंगे। संपूर्ण स्थिति में समस्याएं बचपन का खेल अनुभव होता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। जैसे ब्रह्मा बाप के सामने यदि कोई बच्चा समस्या लेकर आता था तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत भी नहीं रहती थी, भूल जाते थे, ये बात ही भूल जाती थी। ऐसे आप बच्चे भी समाधान स्वरूप बनो तो आधा कल्प के लिए समस्याओं को विदाई दे दो। समस्याओं को क्या दे दो, विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। विश्व की समस्याओं का समाधान ही क्या है, परिवर्तन। स्लोगन है जो सदा ज्ञान का स्मरण करते हैं वो माया के आकर्षण से बच जाते। जो सदा क्या करते रहें, ज्ञान का स्मरण करते रहें, वे माया की आकर्षण से बच जाएंगे। ओम शांति। क्या किया बाबा ने,